What's up everybody, assalamu alaikum, hope you're doing okay. यार आज की वीडियो के अंदर जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, I have to say, I am really really excited about it. मेरे सामने इस वक्त आप ये काले रंग का एक डब्बा देख रहे होंगे जिसके ऊपर गोल्डन कलर से एक नहायत ही ट्राइबल किस्म का एक लोगो बना हुआ है, उस पर कुछ दस्तावेजात हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं एंड नीचे आप यहाँ पर जे डॉट लिखा देख रहे होंगे. इफ यू हैवंट वॉच्ड द एड, अगर आपने वो खूबसूरत ऐड नहीं देखा जो कि रिसेंटली जे डॉट वालों ने अपने इस परफ्यूम के लिए रिलीज किया है, तो सबसे पहले तो जाकर आप उस ऐड को देख लें. नीचे मैंने लिंक लगा दी क्योंकि उस ऐड को देखकर ना इस प्रोडक्ट को लेकर आपका खून थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. भैया ये वॉरियर फॉर चेंगिस चोस्कुन के नाम से जे डॉट वालों ने एक परफ्यूम निकाला है. इतने बड़े डब्बे के अंदर जे डॉट वालों ने ऐसा क्या डाल दिया है, कौन सी बोतलें हैं, कितनी बड़ी बोतल है परफ्यूम की. खैर भैया I guess tell you guys what's inside this box once I open it, because मैंने इसको खोला नहीं है. सबसे पहली चीज जो आप इस डब्बे के ऊपर देखेंगे वो ये है कि यार बहुत ही कोई हाई क्वालिटी लेवल का इन्होंने डब्बा बनाया है. डब्बे के ऊपर ये खूबसूरत गोल्डन कलर का लोगो है जिसमें दो एक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे. ऊपर लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस ऑफ वॉर, चेंगिस चोस्कुन का नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है वॉरियर. डब्बा जैसे ही आप खोलते हैं, ओए होए 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 होए, चेक दिस आउट. परफ्यूम तो अभी दूर है, ये एक बेस प्लेट आपको नजर आ रही होगी और साइड पर उसके ये एक आंकड़ा आपको नजर आ रहा होगा. इधर साइड पैनल्स के ऊपर आप गोल्डन कलर में खूबसूरत किस्म की फूल पत्तियां देख रहे होंगे. यहाँ पे जे डॉट का लोगो है एंड देन यू हैव वॉरियर रिटन हियर. बीच में इसके एक काले रंग का पैनल है जिसके ऊपर भी एक जबरदस्त किस्म का एच ओवा पैटर्न चल रहा है एंड देन यू गॉट टू होल्स हियर. अच्छा परफ्यूम तक हम अभी गए ही नहीं, सही है, डब्बे के ऊपर ही इतना इन्होंने सामान दे दिया है कि परफ्यूम तक जाने की नौबत ही नहीं आ रही. खैर भैया ये एक फोम का पीस है जिसको हम उठा लेते हैं एंड डूड ओ माय गॉड, चेक दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉटल आउट. यार मतलब क्या खूबसूरत बोतल बनाई है. यार अगर आप इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं ना तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि पैकेजिंग जो है ना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है. मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट हल्का हो जाए मगर जब आप पैकेजिंग के अंदर इतनी मेहनत करते हैं ना, इतना टाइम लगाते हैं, इतना सोचते हैं, बैक स्टोरी के बारे में सोचते हैं, तो फिर भाई पूरे के पूरे पैसे ना आपकी पैकेजिंग ले जाती है. और भाई मैं बता रहा हूँ कि ये आई डोंट थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पाकिस्तानी किसी भी ब्रांड के पास इतना खतरनाक परफ्यूम का एक पैकेज देखा. आई मीन दिस डजंट इवन लुक लाइक अ परफ्यूम ऑनेस्टली स्पीकिंग. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक्स बना हुआ है भाई का, जो हमारे सेक्सी तुर्गत भाई हैं उनका एक्स है. और मतलब यार डिटेल्स चेक करो भाई, ऊपर लिखा हुआ है, ब्रांडिंग हुई हुई है. ये पैनल भी जो है वो अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि ये जो बॉक्स छोटा वाला दिया है इन्होंने, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये असेंबलिंग टूल्स. तो आई थिंक पहले हम असेंबल कर लेते हैं, लेट्स जस्ट असेंबल द बॉक्स, लेट्स जस्ट असेंबल द एंटायर थिंग और फिर ज़रा हम देखेंगे कि ये बोतल में से खुशबू निकलती कहाँ से. निकालूँ तो ज़रा मैं, एक मिनट यार. ओए होए होए, तोड़ फोड़ रामेश भाई, तोड़ फोड़ मचा दी. ये चेक करें आप, शिया शिया डू, दिस बॉटल इज इनसेन, इट्स इनसेन यार. मतलब ये मैं रखूंगा कहाँ पे, ये छोटी वाली बोतलें तो आ जाती हैं आपकी जो है ना वो मेज होती है ना उसके ऊपर, ये साइड में इतनी जगह ले लेगा कि इसको रखेंगे कहाँ पे. अच्छा एक मिनट इसको खोलें तो खुलता कैसे. आय हाय 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 डू दिस, ओ मैन यार क्या सोनी खुशबू. देखो आई फील लाइक जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं ना उनमें बड़ी सब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि किसी को किसी किस्म की फ्रेग्रेंस पसंद है, किसी को किसी किस्म की फ्रेग्रेंस पसंद है. तो आई थिंक फ्रेग्रेंस के ऊपर बहुत ही एब्सोल्यूट किस्म का अगर हम ओपिनियन दें ना कि ये बहुत अच्छी, इससे बेहतर पूरे पाकिस्तान में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो मतलब नहीं समझ नहीं आता. मैं ये जरूर बोलूंगा इट्स गॉट अ सटल स्वीटनेस टू इट बट इट्स ऑल्सो स्ट्रांग, बट नाइसली स्ट्रांग. फॉर नाउ दिस स्मेल्स अमेजिंग. ये जो कुल्हाड़ा है हमारा खुशबू वाला कुल्हाड़ा, इसको हम बंद कर देते हैं. पहले हम जरा बेस बना लेते हैं, फुल सिस्टम करते हैं, उसके बाद जरा बात करते हैं प्राइस की और थोड़े ऑशस को. और भैया फाइनली हमारी जो परफ्यूम की बोतल का स्टैंड है वो कम्प्लीटली असेंबल हो गया. जिंदगी में पहली बार परफ्यूम की बोतल का स्टैंड जो है ना उसकी असेंबली हुई है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार ऑनेस्टली स्पीकिंग. ये जो शशका है ना पूरा, कि आपके पास एक कुल्हाड़ा निकला है, कुल्हाड़े के अंदर खुशबू है, उसके अंदर परफ्यूम है,
खूबसूरत किस्म की जो है वो बॉटल है, और फिर मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी मेज़ पर जाकर रख दें, प्रॉपर स्टैंड मिला है, उसके बाद ब्रांडिंग हुई हुई है, फिर उसको जोड़ने का भी एक एक्सपीरियंस आपको मिला है। आई फील लाइक सारे पैसे भाई इसी के हैं। परफ्यूम तो जो है वो है, खुशबू है, ठीक है, अच्छी है, बट दिस बॉटल इज समथिंग कि जब भी आपकी मेज़ पर रखी होगी आप खुद सोचें, आप बोलोगे भाई मतलब मैं ही वो वॉरियर हूँ, मैं ही वो जंगजू हूँ, ये जिंदगी ब्रो अपनी है। बॉटल की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उसके लिए मैं जरा आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ। बॉटल एक साइड से ऐसी है, एंड देन व्हेन यू फ्लिप इट अराउंड बॉटल कुछ इस तरीके की दिखती है। उसके बाद आपका जो हैंडल है उस पर एक तरफ डिजाइन ऐसा बना हुआ है, एंड देन ऑन द अदर साइड यू हैव द सेम डिजाइन और इसके बीच में लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस ऑफ वॉर। अच्छा, फ्रेग्रेंस ऑफ वॉर ना मुझे थोड़ा सा ओवर लगा, मतलब भाई फ्रेग्रेंस ऑफ वॉर, वॉर की अच्छी स्मेल तो नहीं होती, घोड़ों की स्मेल होती है, खून पसीने की होगी, आग लग रही होगी, अगर आप पुराने जमाने की, अर्तुरुल के जमाने की जो है वॉर की बात कर रहे हैं। आई फील लाइक अ मैनली फ्रेग्रेंस, अ हैवी फ्रेग्रेंस, इंटेंस फ्रेग्रेंस समथिंग, बट फ्रेग्रेंस ऑफ वॉर जो टैगलाइन है ना, दैट काइंड ऑफ डिडंट रेजोनेट टू वेल विद मी, बिकॉज आई डोंट थिंक इट वर्क्स। आई मीन वॉर डजंट स्मेल गुड इन एनी वे व्हाटसोएवर। अब हम जरा बात कर लेते हैं भाई इस परफ्यूम की बोतल की प्राइस की। प्राइस महंगी है, बट आई थिंक दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इन्होंने एक बहुत एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट बनाया एंड आई अंडरस्टैंड द प्रीमियम दैट जे डॉट इज चार्जिंग फॉर इट, बिकॉज यू नो हाई एंड प्रोडक्ट है, इसमें जिस हिसाब से इन्होंने चीज़ें लगाई हैं लग रहा है कि यार पैसे लगे हैं। खवातीनों हजरात, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वॉरियर विच इज प्राइस्ड एट 13,800 रुपए, और यहाँ पे मुझे इंटरनेट के थ्रू ही ना शीशे टूटने की आवाज आ रही है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे बोल रहे होंगे अबे रामेश भाई क्या हो गया। आई थिंक मेरे लिए इट्स अ प्रोडक्ट दैट्स वर्थ द अमाउंट दैट आई स्पेंट ऑन इट। आई एम एक्चुअली थिंकिंग मैं अपने अबू को दे दूँ, पापा को दे दूँ, बिकॉज माई डैड लव्स इस तरीके की फ्रेग्रेंसेज, एंड ऑल्सो आई थिंक ये जो सारा शशका है माई डैड वुड एब्सोल्युटली लव इट। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया। इफ़ यू लाइक द बॉटल, इफ़ यू वॉन्ट टेक माई वर्ड फॉर द फ्रेग्रेंस, आप जाके इनके स्टोर्स पर चेक कर सकते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सफा साइनिंग आउट, टेक केयर। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, सामने देख भी नहीं पा रहा। खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।